पूरे शहर में जनरल का घर सबसे बड़ा और सुंदर था, इसीलिए जब भी वो पार्टी करता हर कोई आता। ओ, बेशक नहीं, महाराजा हैंस का समय इतिहास का सबसे बड़ा दौर था। उस जमाने में हर कोई शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीता था। आजकल तो लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। मैं सहमत हूँ, वातावरण को हमेशा सुधरना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, और लोग अवश्य ही आज परवाह करते हैं। देखो कितने मेहमान आज पार्टी के लिए आए हैं, वो मेरी परवाह करते हैं। काउंसलर जानता था कि कोई भी मेजबान की परवाह नहीं करता था, पर उसे ये नहीं पता था कि एक बार जब सब लोग चले जाते हैं तो जनरल उस घर में अकेला रह जाएगा। खैर, इस वक्त तो व्यस्त है, पर मुझे यकीन है यहाँ वो मेरे लिए आए हैं और खाने के लिए नहीं। हाँ, बेशक, क्यों नहीं। हुजूर, मुझे डर है कि हमारे पास ग्लास कम हो गए हैं। ग्लास कम हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अब मेहमानों के लिए हमारे पास कोई ग्लास नहीं है। मुझे पता है उसका मतलब क्या है। पर आपने अभी अभी कहा था कि... खामोश हो जाओ, जाओ स्टोर रूम से ढेरों नए ग्लास लेकर आओ, जाओ। हाँ हुजूर, बिल्कुल। स्टोर रूम पूरे घर में सबसे अंधेरा कमरा है। यहाँ ही गैर जरूरी चीजें रखी जाती हैं। पर उस रात जनरल के स्टोर रूम में कुछ और भी था। इसे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ, किसे पता था गोल गोल चक्कर काटना ऐसा कर सकता है। क्या हुआ केर? क्या तुम्हें सिर दर्द है? क्या तुम भी गोल गोल चक्कर काट रही थी? आखिर मुझे तुम्हारी देखभाल करने की क्या जरूरत है? तुम फॉर्चून की सहायक हो, मेरे नहीं। ये सही नहीं है। मुझे क्षमा करना, पर तुम्हें पता है फॉर्चून छुट्टी पर गई है। जब तक वो वापस नहीं आती मैं उनकी जगह ले रही हूँ। क्या उसने कुछ कहा था? फॉर्चून की बहुत संभाल कर देखभाल करने की जरूरत होती है। फॉर्चून की बहुत संभाल कर देखभाल करने की जरूरत होती है। साथी, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, बढ़िया, तो फिर आज हम कुछ दिलचस्प करेंगे। ओ, मुझे खुशी है कि तुमने इसका जिक्र किया। मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा है। रुको, वो क्या थे? मैंने इससे पहले उन्हें स्टोर रूम में नहीं देखा था। ये मानवता के लिए मेरा उपहार है। तुम देखना, वो आम रबर के जूते नहीं हैं। वो किस्मत बदलने वाले जूते हैं। जो भी उन जूतों को पहनता है वो कोई भी इच्छा मांगे उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। वो क्या? क्या? क्या हुआ? क्या क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, ये बहुत बुरा, बहुत बुरा विचार है। ये बस समस्याएं ही लाएगा, बड़ी समस्याएं। इंसान नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। वे कभी भी अपनी इच्छाओं के प्रति सावधान नहीं रहते। ओह, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये एक अच्छी बात होगी, तुम देख लेना। ओह, मैं देखूंगी और तुम भी देखोगे। ऊपर हॉल में मेहमान जाने लगे थे। वो तुम्हारे जूते नहीं है। जरा देखो उन्हें, तुम्हारे ठीक वहाँ पर है। पर रबर के जूतों ने अपना मालिक चुन लिया। ये क्या? इसी की तो मैं बात कर रहा था। कोई भी इस शहर की परवाह नहीं करता, या किसी दूसरे की। जनरल बिल्कुल गलत थे। काश कि
मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस दौर में होता जब राजा हैंस शासन करते थे। ओह, उसे असल में ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे बस जनरल को ये बता देना चाहिए था कि सभी मेहमान वहाँ सिर्फ पार्टी की खातिर आए थे, उनके लिए नहीं। आह, ये सही नहीं है। वो कैसे सड़क के पास पानी का गड्ढा छोड़ सकते हैं? मुझे अब अपने जूते साफ करने होंगे। वो फुटपाथ कहाँ चला गया? क्या मैंने गलत मोड़ ले लिया था? रुको, पानी बरसना बंद कब हो गया? ध्यान रखो कि तुम कहाँ जा रहे हो लड़के। तुम ध्यान रखो लड़के, तुम सड़क के बीचों बीच घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते हो। मुझे लड़के कहा? लड़के? वो आदमी आखिर कितनी उम्र का होगा और वो क्या पहने हुए था? वो जरूर मुखौटा पार्टी में जा रहा होगा जहाँ हर कोई प्राचीन काल के किसी व्यक्ति की तरह कपड़े पहनता है। ये मुखौटा पार्टी कहाँ है जहाँ मुझे निमंत्रित नहीं किया गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिना किसी शस्त्र के? तुम बहुत उदार हो, पर मेरे ख्याल से मुझे किसी मुखौटा पार्टी में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मुखौटा क्या? और लड़ाई लड़ने के लिए निमंत्रण की किसे जरूरत है? हमारा राज्य संकट में है, ये हमारा कर्तव्य है कि इसे अपनी जान देकर सुरक्षा दें। विजय हमारी होगी, विजय हमारी होगी, विजय हमारी होगी। ओह, मुझे कहना पड़ेगा तुमने अपनी भूमिका बहुत गंभीरता से अपनाई है। हमारा समय बर्बाद मत करो, चलो इसे कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाए। हमारे पास इतना समय नहीं है, चलो उसे बस एक तलवार और ढाल दिलवा दें। हाँ, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमला। ओ, ये जिंदा है, चलो इसे काल कोठरी में जाकर डाल देते हैं, ये हमारा शत्रु है। तहखाने में मत डालो, नहीं नहीं। ओह, लगता है मैं सो गया था। ये बहुत अपमानजनक है, वहां उन्होंने खाने में क्या डाल दिया था? ओह, मैं गलत था, ये समय राजा हैंस से बेहतर है। यहाँ लड़ाई नहीं होती, कम से कम अब मैं वापस जा सकता हूँ और अपनी आरामदेह बिस्तर में शांति से सो सकता हूँ। ओह, कौन यहाँ ये कचरे का थैला छोड़ गया है? मुझे इसे बाहर कचरे में फेंक देना चाहिए। अब ये किसने रखा है? ये अजीब बात है, मुझे याद है मैंने इसे अंदर रखा था। अगर ये यहाँ पड़ा है तो क्यों ना मैं इसे पहन लूँ, मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। हाँ? ओ नहीं, हाँ? थोड़ा और। कृपया ये मत कहिए, कृपया ये मत कहिए। आह, काश कि किसी भी तरह मेरा हाथ उस थैले तक पहुंच सकता, कितना अच्छा होता। नहीं। पर बहुत देर हो चुकी थी। ओह, ये कैसे हुआ? ओह, ये तो बहुत कठिन है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? काश ये कचरे का थैला यहाँ होता ही नहीं। ये क्या, ये थैला कहाँ चला गया? सही चीज का वर मांग मूर्ख। क्या यहाँ आसपास कोई भूत है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? कृपया मुझे छोड़ दो, काश मैंने वो दुष्ट कचरे का थैला ना उठाया होता। आखिरकार दूर रहो मुझसे, थैले में भूत है, थैले में भूत है। जैसे ही परियों ने सोचा कि बदतर समय अब खत्म हो गया है, चौकीदार दौड़ आया। क्या क्या हुआ, कौन चिल्लाया? यहाँ तो कोई नहीं है। ये भी क्या जिंदगी है, मैंने 10 मिनट आराम क्या कर लिया कि कोई चिल्ला उठता है। ये किसके जूते हैं? ओ बढ़िया,
ये तो काफी आरामदायक है। ये जरूर जनरल के जूते होंगे। खैर, इस वक्त मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, मैं कल उन्हें लौटा दूंगा। कितना खुशकिस्मत और सम्मानजनक होगा जनरल से मिलना। एक बड़ा घर और उसकी सेवा में नौकर चाकर, क्या बढ़िया जीवन होगा। काश मैं उनके साथ अपनी जगह अदल बदल कर सकता। वो मुझसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। क्या बढ़िया जीवन है। अब मेरे पास भी एक बड़ा घर है, लोग मेरा आदर करते हैं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब मैं जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता हूँ। मुझे बहुत प्यार है अपनी जिंदगी से। जाहिर है चौकीदार अब सबसे खुशहाल व्यक्ति था, पर कितने दिन तक धन आपको खुश रख सकता है? मैं इतना ऊब गया हूँ और कितना अकेला हो गया हूँ। इस बड़े घर का क्या फायदा यदि मैं अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही बिताने वाला हूँ। काश मेरा कोई साथी होता। वो चौकीदार कई ज्यादा खुश है मेरे बजाय। उसके पास तो परिवार है खुशियाँ मनाने के लिए। काश मैं उससे अपनी जगह अदल बदल कर सकता। वो मेरे से कई ज्यादा खुशकिस्मत है। ओ, कितना अजीब सपना था। मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। एक घंटे में मैं अपने बीवी और बच्चों के पास पहुँच जाऊंगा। मैं सचमुच जनरल से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। ओ, टूटा हुआ तारा, इसे नजदीक से देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। काश मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर उस चांद तक उड़ सकता। वो कैसा लगेगा? ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, ये कैसे हुआ? लेकिन उसे कौन बचाता? बेचारा चौकीदार उड़ता गया ऊपर और ऊपर। उसने किसी ऐसी चीज की इच्छा की थी जो वो चाहता नहीं था, पर किस्मत वाले रबर वाले जूतों को उसकी परवाह नहीं थी। अंत में उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि अब वो चांद पर था। उसे कभी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने स्वयं को चांटे मारे उस सपने से जगाने के लिए। धरती उसके सिर पर लटकी थी एक विशाल गेंद की तरह। चौकीदार डरा हुआ था और चिंतित भी। क्या वो कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं जा पाएगा? वो वहाँ चांद पर लेटा था और रो रहा था, पर वापस धरती पर उस चौकीदार का क्या हुआ? हेलो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समय क्या हुआ है? ओह, तुम्हें हुआ क्या है? उस अजनबी ने तुरंत जनरल को बुलाया और उस चौकीदार को करीबी अस्पताल में तुरंत लेकर गए। वहाँ वो बिस्तर पर लेटा था और सभी डॉक्टर असमंजस में थे। कैसे एक आदमी जो इतना स्वस्थ है अचानक प्रतिक्रिया करनी बंद कर दी? हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे। वो अस्पताल के बिस्तर पर वो जूते क्यों पहने हैं? नर्स, इन्हें उतार डालो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। और चौकीदार की आत्मा लौट आई। धरती, मेरी धरती, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उनके पास जा सकता हूँ। धरती, प्यारी प्यारी धरती। कम से कम वो होश में है। धन्यवाद डॉक्टर, अब मैं जाऊंगा। सर, मेरे ख्याल से ये चौकीदार के हैं। ओह हाँ, मैं उसे इन्हें लौटा देता हूँ। अब मैं इन रबर के जूतों से तंग आ गई हूँ। हमें उन्हें वापस ले जाना होगा इससे पहले कि वो किसी और की इच्छाएं पूरी करे। खैर, जनरल उन्हें कहीं न कहीं नीचे तो रखेगा। हम उन्हें नहीं ले जा सकते जब हर कोई देख रहा है। हेलो, तुम अकेले और उदास लग रहे हो। तो इससे तुम्हें क्या? ओह, बहुत ठंड है, तुम्हारे पास जूते भी नहीं हैं। क्या अपने पाँव को ढांपने के लिए तुम ये आरामदेह और नर्म जूते पहनना पसंद करोगे? खैर, अगर मेरी इच्छाएं पूरी होती तो जानते हो मैं क्या इच्छा मांगता? मैं मांगता कि मेरे पास रहने के लिए घर हो और कोई मेरी देखभाल करने वाला हो।
तुम नहीं जानते कैसा लगता है सड़क पर अकेले जीना। तुम्हें देखकर लगता है तुम अपने बड़े घर में परिवार के साथ रहते हो। हाँ, मैं अवश्य ही एक बड़े घर में रहता हूँ, पर बिल्कुल अकेला। मैं तुम्हारी मुश्किलों को समझता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आकर रहना चाहोगे? मेरा कोई बेटा नहीं और मेरा घर एक छोटे बच्चे से निहाल हो जाएगा जो अपनी बात निडर होकर कहे। क्या सच में? हाँ बेशक, चलो मेरे साथ। क्या मैं ये जूते पहन सकता हूँ? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए नए जूते खरीदूंगा और मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा, खिलौने भी, मिठाइयाँ भी। तुम्हें मिठाइयाँ पसंद हैं? वाह, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ओह, देखो, मेरे रबर के जूते आखिर खुशकिस्मती ले आए। बेशक वो ले आए, उस वक्त जब किसी ने उन्हें पहन नहीं रखा था। पर ज्यादा घमंड न करो, तुमने एक मनुष्य को चांद पर भेज दिया। इंसानों को ये खुशकिस्मती के जूते नहीं चाहिए, उन्हें बस एक दूसरे की जरूरत है।